हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पौधों में होने वाले विषाणु जनित रोगों के बारे में जानेंगे। अपनी पिछली वीडियो में हमने जीवाणु जनित रोगों के बारे में जाना था। आज की वीडियो है पौधों में होने वाले विषाणु जनित रोग, वायरल डिजीज ऑफ प्लांट। तंबाकू का मोज़ेक रोग, इस रोग में पत्तियां सिकुड़ जाती हैं तथा छोटी हो जाती हैं। पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। इस रोग का कारक टोबैको मोज़ेक वायरस है। इस रोग से प्रभावित पौधों को इकट्ठा कर जला देना ही इस रोग से नियंत्रण का उपाय है। पोटैटो मोज़ेक वायरस, यह रोग पोटैटो वायरस एक्स से होता है। इसमें पत्तियों में चित कबरापन तथा बौनापन के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। नियंत्रण, इस रोग की रोकथाम के लिए आवश्यकता अनुसार कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। बंची टॉप ऑफ बनाना, यह रोग बनाना वायरस 1 द्वारा होता है। इस रोग में पौधे बौने तथा सभी पत्तियां शिखा पर गुलाबवत गुंबवत एकत्रित हो जाती है। नियंत्रण, इस रोग के नियंत्रण के लिए केले के बागों में उगने वाली खरपतवार को उखाड़कर फेंक देना चाहिए और बंची टॉप से संक्रमित पौधों को जड़ समेत हटा देना चाहिए। इसके अलावा केले में कीट और रोगों की रोकथाम के लिए उन्नतशील किस्मों की दवाइयों का ही चुनाव करना चाहिए। रंग परिवर्तन, कलर चेंज। हरिमाहीनता एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग में पूरी पट्टी का रंग पीला, सफ़ेद या मोज़ेक पैटर्न का हो जाता है। वेन क्लियरिंग में सिराएं पीली व अन्य भाग हरे तथा वेन बैंडिंग में सिराएं हरी व अन्य भाग में हरिमाहीनता होती है। इस रोग की रोकथाम और पौधों की पत्तियों और तनों को उपचारित करने के लिए जैविक फफूंदनाशक का उपयोग करना चाहिए।